गाइस तो आज है ट्रैक्सस XO1 का पार्ट 2 वाला वीडियो। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बोला था, आज इसकी मैं फाइट कराऊंगा, रेस कराऊंगा स्लेच के साथ और मैक्स आरसी कार के साथ। ये देख लो गाइस, एकदम यहाँ पे खाली सी रोड है, XO1 को चलाएंगे ये रोड के ऊपर, वो भी फुल स्पीड में। देखते हैं गाइस इसकी टॉप स्पीड कहाँ तक जा सकती है। काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके इसको चलाना पड़ता है। अगर मेरा कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा भी गड़बड़ाया ना यार, ये कार टकरा भी सकती है। तो गाइस आज फुल कॉन्सेंट्रेट करके इसको मैं फुल स्पीड में चलाने वाला हूँ। देखते हैं गाइस आज ये जीती है या फिर मैक्स जीती है या फिर स्लेट जीती है। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके गाइस चलो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ ताकि भाई इसको मैं एकदम खतरनाक तरीके से चला सकूं। कार स्लो स्पीड में भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो रही है। कार का साइज देखो काफी ज्यादा बड़ा है, फिर भी ये बहुत छोटे से एरिया में टर्न हो रही है। अब इसको मैं एकदम खतरनाक स्पीड में दौड़ाने वाला हूँ। ये देखो गाइस, देखते ही देखते कार यहाँ से गायब हो चुकी है। अब ब्रेक लगाते हैं। ओह माय गॉड, गलती से यार मैंने सडन ब्रेक इसके अंदर लगा दिया था, इस वजह से देखो पे मैक्स से टकरा चुकी है। गाइस इसके ब्रेक्स भी ना यार बड़े ही खतरनाक है। हाई स्पीड में अगर मैं इसको चला रहा हूँ तो अगर सडन ब्रेक मारूंगा ना यार, कार गोल गोल घूमने लग रही है। तो अब XO1 की रेस कराते हैं ट्रैक्सस स्लेज के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। दोनों को बिल्कुल मैं साइड बाय साइड चला रहा हूँ। अब देखो यार यहाँ से दोनों को टर्न करा के लेके आऊंगा। ट्रैक्सस XO1 की स्पीड इतनी ज्यादा खतरनाक है कि यार ये कार को देखने के बाद मेरे को तो चक्कर आने लगे हैं। भाई साहब देख रहे हो किस तरीके से निकल रही है, मेरा कैमरा इसकी स्पीड कैप्चर नहीं कर पा रहा है गाइस। ओ भाई साहब तीनों राउंड्स ये काफी आराम से जीत चुकी है। मैं इसके अंदर जस्ट थोड़ा सा आधा एक्सेलेरेटर भी नहीं दे रहा हूँ गाइस, देखते ही देखते कार जो है इधर से वो रोड पर निकल रही है भाई साहब। बाकी मैंने अभी अभी इसको 160 की स्पीड तक चलाया है। अगर यार मेरे को रोड स्ट्रेट मिल जाए ना, 200 या फिर 220 की स्पीड भी चला सकता हूँ। ये कार इतनी ज्यादा कैपेबल मेरे को लग रही है। XO1 बहुत ज्यादा आगे निकल गई थी, स्लेज बहुत ज्यादा पीछे पीछे चल रही थी। अब मैक्स के साथ कराते हैं इसकी रेस, देखते हैं क्या ये मैक्स को भी हरा पाएगी या फिर नहीं। चलो ट्रैक्सस मैक्स भी काफी ज्यादा फास्ट चल सकती है। ओ भाई फास्ट चलाने के चक्कर में ये तो पलट गई थी, वापस से दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट राउंड में क्लियरली आप देख सकते हो XO1 आगे निकल गई है और XO1 फर्स्ट राउंड जीत चुकी है। देखते हैं सेकंड राउंड में कौन जीतता है। सेकंड राउंड में भी क्लियरली यहां पे XO1 जीत चुकी है। थर्ड राउंड में देखते हैं गाइस क्या मैक्स जीत पाती है या नहीं। थर्ड राउंड में भी वापस से यहां पे XO1 ने बाजी मार ली है। क्लियरली आप देख सकते हो गाइस तीन बार इसने मैक्स को हरा दिया। गाइस ये कार को फुल एक्सेलेरेटर देके चलाने की मेरे को हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि देखो यार रोड जो है ना दो हिस्सों में बटी हुई है। इस तरफ की रोड ऊपर है, इस तरफ की रोड जो है थोड़ा सा नीचे है, और इनके कंकड़ भी देखो थोड़े से बाहर निकल के आ चुके हैं। मैंने अभी तक इसको 2-3 बार क्रैश भी कराया झाड़ियों के अंदर। बाकी देख सकते हो यार सामने तो कुछ हुआ नहीं, पर यहाँ पे ये देख लो थोड़ा सा स्क्रैच आ चुका है। कि बॉडी जो है काफी ज्यादा मजबूत है, मैक्स को भी इसने काफी ज्यादा डिस्टेंस से हरा दिया है रेस में। तो अब देखते हैं क्या ट्रैक्सस XO1 ऑफ रोड में चल पाएगी या फिर नहीं। ये तो कम्प्लीटली रोड पे चलाने वाली कार है, फिर भी मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ गाइस। देखो यहाँ पर आकर ये फंस चुकी है, इसके अंदर से तो भाई काफी खतरनाक सी आवाज आने लग रही है। वहीं दूसरी तरफ ट्रैक्सस स्लेज के व्हील्स काफी बड़े होने के कारण, इसका ग्राउंड क्लीयरेंस भी ज्यादा होने के कारण देखो आप इसको रोड के साथ साथ ऑफ रोड में भी चला सकते हो काफी बढ़िया तरीके। तो गाइस ये जो XO1 है बिल्कुल भी ऑफ रोड में नहीं चल सकती है, क्योंकि देखो ये ऑन रोड कार है, तो इस वजह से ये कार को सिर्फ रोड पे ही चलाना चाहिए। स्लेज की रेस कराते हैं मैक्स के साथ, देखते हैं क्या स्लेज मैक्स को ऑफ रोड रेस में हरा पाएगी या फिर नहीं। चलो गाइस तो अब ये दोनों ही कार्स कम्प्लीटली ऑफ रोड में भी चल सकते हैं, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। मैक्स की स्पीड काफी खतरनाक है, देखो इतने ज्यादा गहरे दलदल में भी ये काफी फास्ट चल रही है और ये बहुत ज्यादा आगे भी निकल गई थी। अब देखो गाइस यहाँ पे काफी खतरनाक सा कीचड़ है, मैक्स आकर यहाँ पर कम्प्लीटली फंस चुकी है। तो पीछे इसके स्लेज है, स्लेज से इसको धक्का मार के यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। ओह माय गॉड, स्लेज ने इसको काफी आराम से निकाल दिया है। मैक्स के व्हील जो है स्लेज से थोड़े से छोटे है गाइस, इस वजह से इसको कीचड़ में चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे देखो काफी ज्यादा गहरा पानी भी है और कीचड़ भी है। दोनों ही कार्स यहाँ पर पहुंच चुकी है, पर स्लेज धीरे धीरे करके कीचड़ में से काफी आराम से निकलने में कामयाब हो चुकी है। मैक्स कम्प्लीटली यहाँ पे डूबने वाली है ऐसा मेरे को लग रहा है। मैं इसको इतनी स्पीड में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी देखो गाइस ये यहाँ से निकल नहीं पा रही है, ये वापस से अंदर गहरे दलदल में फंसती जा रही है। स्लेज काफी आराम से निकल चुकी है और ये जीत चुकी है। क्लियरली गाइस स्लेज है यहाँ पर विनर। ये कार्स को कीचड़ में चलाने के बाद सही तरीके से साफ करना चाहिए यार, वरना इनका ESC या फिर मोटर खराब भी हो सकता है। देखो आधे घंटे से मैं इनको सुखा रहा हूँ।
अब आमने सामने वाली फाइट होगी इन दोनों कार्स के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। ये क्या हो रहा है गाइस, मैक्स के साथ तो इसकी टक्कर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी और स्लेज के साथ भी नहीं हो पा रही थी। जैसे मैं पुशबैक करा रहा था, देखो इसका डिजाइन सामने से एकदम एरोडायनामिक होने के कारण स्लेज इसके ऊपर से निकल रही थी। बाकी अब इन दोनों के बीच में मैं टगऑफ वॉर कराने वाला हूं। यहां पे दोनों के बीच में रस्सी मैंने बांध दी है। इसका ये जो स्पॉइलर है ना, थोड़ा सा मेरे को कमजोर लग रहा है। देखते हैं गाइस अब टगऑफ वॉर कराने के बाद इसका स्पॉइलर यहां पे रहता है या फिर उखड़ जाता है। ठीक है, देखते हैं अब पता चलेगा कौन किसको यहाँ पे हरा पाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट की है, क्लियरली आप देख सकते हो स्लेज धीरे धीरे करके एक्सो वन को अपनी तरफ खींच के लेके जा रही है, क्योंकि यार स्लेज के व्हील्स काफी ज्यादा बड़े साइज के। तो गाइस टगऑफ़वॉर तो काफी ज्यादा खतरनाक थी, क्लियरली यहाँ पे स्लेज ने हरा दिया है ये कार को। रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, इसके व्हील्स देख लो ऑफ रोड के हिसाब से बने, इसके व्हील सिर्फ ऑन रोड के हिसाब से बने। एक और चीज इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये कार को ऑफ रोड में क्यों नहीं चलाना चाहिए। एक तो देखो यार इसकी बॉडी डैमेज हो सकती है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी इसके ऊपर आके गिरी है। दूसरी चीज ये देखो यार इसके अंदर कितनी ज्यादा मिट्टी आके गिरी है। पहले तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, यार यहाँ पे भी मिट्टी आके रुक चुकी है इसके ऑन ऑफ स्विच के पास। अब देखो ये देख रहे हो गाइस, इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी नीचे होने के कारण जैसे ही मैं इसको मिट्टी में चला रहा हूँ तो ये जो व्हील्स है ना मिट्टी को उठा के बॉडी के अंदर फेंक रहे हैं। तो इस वजह से यार ये ऑफ रोड में पूरी तरीके से फ्लॉप है। आप पुश बैक कराते हैं इन दोनों कार्स के बीच में, देखते हैं यहाँ पे कौन जीतता है। ये क्या हो गया यार, यहाँ पे दोनों ही कार्स गिर चुकी है। गाइस इन दोनों के बीच में तो टाई हो चुका है, एक और बार पुश बैक कराते हैं, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है, क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो दोनों एक दूसरे को उठा के फेंकने की कोशिश कर। ओ भाई साहब क्या ही खतरनाक सीन था यार, मेरे को लगा था कि मैक्स जीतेगी पर स्लेज ने यहाँ पे बाजी मार ली है पूरी तरीके से। काफी खतरनाक सी आवाज आई थी यार इसके अंदर, भाई कुछ नहीं हुआ इसको भी। और मेरे को लगा था कि यार व्हील फटा है किसी का, तो पर देखो दोनों के व्हील सही सलामत है एकदम। अब होगी एकदम खतरनाक वाली फाइट इन दोनों के बीच में, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। यहाँ पे दोनों उतने ही पावरफुल मेरे को लग रहे हैं, क्योंकि देखो दोनों ने अपनी अपनी जगह पर काफी बड़े बड़े खड्डे खोद दिए अपनी व्हील्स की हेल्प से। अब धीरे धीरे करके स्लेज ने मैक्स को खींचना चालू कर दिया, यहाँ पे मैक्स पूरी कोशिश कर रही है इसको रोकने के लिए, पर मेरे को अब लग रहा है गाइस मैक्स की बैटरी जो है वो पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है। गाइस इन दोनों की हालत देखो यार, मेरे को लगा था कि वापस यहाँ पे मैक्स जीतेगी, पर यहाँ पे सीन पूरी तरीके से उल्टा हो चुका है। स्लेज ने इसको काफी खतरनाक तरीके से हरा दिया है। अरे यार ये तो खुल ही नहीं रहा है मिट्टी जाने के कारण, एक बार इसको हटाते हैं। ओ भाई ये क्या सीन है यार इसके अंदर, देखो फैन तो घूम रहा है पर यहाँ पे देखो इतनी इतनी मिट्टी जा चुकी है इसके अंदर। देखो गाइस वाटरप्रूफ कार्स लेने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप इनको जितना चाहे उतना पानी में चला सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो अब मैंने स्लेज को यहाँ इतने बड़े गड्ढे में से निकाल दिया है, अब मैक्स को भी यहाँ से निकाल दूंगा और दोनों के अंदर जितनी भी मिट्टी जमा हुई थी ना वो क्लियरली निकल जाएगी, जस्ट इसको सुखाना होता है। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो में ट्रैक्सस एक्सो वन की रेस मैं कौन सी कार के साथ कराऊं। तो ये रहा ट्रैक्सस लिंक ऐप, इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स मिलते हैं कार के वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्लिक कर दिया मैंने, देखो ये इसके ऐप का इंटरफेस है, बहुत सारी सेटिंग्स इसके अंदर दी गई है। जैसे कि गाइस ये इसका डैशबोर्ड है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आरपीएम मीटर, ये इसका स्पीडोमीटर है, यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज दिखा रही है। अगर आप इसके अंदर लाइट्स वगैरह लगा रहे हो तो वो लाइट्स को यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आप जितनी टॉप स्पीड चलाते हो वो टॉप स्पीड यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो शायद ये इसके जो मोटर है उसका टेम्परेचर यहाँ पे दिखाता होगा। फिलहाल अभी मैंने कार को ऑन करके रखा है, मोटर का टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। एक बार मैं इसको थोड़ा सा चला के भी बताता हूँ, जैसे जैसे मैं रिमोट के अंदर थर्टल दूंगा तो यहाँ पे देखो यार रियल कार के अंदर जिस तरह का स्पीडोमीटर होता है वो भी यहाँ पे काम करने लगता है। तो एक बार कार को मैं भी चलाऊंगा गाइस, देखो इसको यहाँ पे रखूंगा, रिमोट को भी यहाँ पे मैं रखता हूँ, आप देखना गाइस देख रहे हो कार जैसे ही चल रही है, देखो गाइस जस्ट थोड़ा सा ही मैं ट्रिगर को प्रेस कर रहा हूँ तो उसकी स्पीड जो है 80 तक बहुत आराम से आ रही है। तो इसके ऐप के अंदर और क्या क्या चीजें हैं ये एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे गैराज का ऑप्शन है, गैराज के ऑप्शन में बहुत सारे सेटिंग्स मिलते हैं, जैसे कि आप इसके ट्रैक्सस स्टेबिलिटी मैनेजमेंट को यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो। अभी देखो फिलहाल मैंने इसका जो TSM है 100% पे रखा है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो ये यहाँ पे जीरो भी होता है। बैक ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे मॉडल सेटअप है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे कि इसके अंदर कौन से पार्ट्स लगे हुए वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि मॉडल मेमोरी भी है, इसके अंदर आप एक मेमोरी भी स्टोर करके रख सकते हो कि आप इसको जितनी स्पीड पे चलाना चाहते हो। इसका डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो चलो गाइस अभी मैं देने वाला हूँ शाउट आउट।
और पहला नाम है तेजस, मंदीप, साकिब, जसकरण, सैफी, ऋतिक, सद्दाम, रोहित, मोहित, आयुष। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।